नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीएलएड रिजल्ट के स्क्रूटनी के लिए फिर से खोली गई एप्लीकेशन विंडो। बिहार के 3 जिलों में बनेगी 11 सड़कें। अब बिहार में भी होगा उत्कृष्ट सदस्य का चयन। यूपी योद्धा को हराकर फाइनल में पहुंची पटना पायरेट्स। शेन वॉटसन ने विराट कोहली को बताया सुपर ह्यूमन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी योद्धा को हराकर फाइनल में पहुंची पटना पायरेट्स। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के सेमीफाइनल मुकाबले में पटना पायरेट्स ने यूपी योद्धा को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन खेले गए मुकाबले में पटना पायरेट्स ने यूपी योद्धा को 11 पॉइंट से मात दी, जहां यूपी योद्धा ने 27 पॉइंट हासिल किए थे। वहीं दूसरी तरफ पटना पायरेट्स जवाब में 38 अंक प्राप्त करने में कामयाब रही। मैच के शुरू से ही पटना दबाव बनाकर रखने में कामयाब रही थी, जो अंत तक देखने को मिला। अब पटना पायरेट्स का फाइनल मुकाबला 25 फरवरी को दूसरे सेमीफाइनल के विजेता टीम से होगा। वहीं पटना पायरेट्स के अब तक के सफर की बात करें तो पहले सीजन में तीसरे स्थान पर रही थी, दूसरे सीजन में चौथे स्थान पर और तीसरे सीजन में चैंपियन बनी थी। इसके बाद अगर हम चौथे सीजन की बात करें तो चौथे सीजन और पांचवें सीजन दोनों में इसे जीत हासिल हुई थी और यह फाइनल खेलती हुई अब एक बार फिर से नजर आने वाली है। डीएलएड रिजल्ट के स्क्रूटनी के लिए फिर से खोली गई एप्लीकेशन विंडो। डीएलएड विशेष परीक्षा 2020 के घोषित परिणाम में यदि कोई उम्मीदवार किसी विषय में प्राप्त अंक से असंतुष्ट है तो वो अपने आंसर शीट की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर बिहार बोर्ड ने डीएलएड स्पेशल एग्जाम 2020 के परिणाम को लेकर ही एक आवश्यक सूचना जारी की है। संबंध में बीएसईबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से एक नोटिस जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्क्रूटनी को लेकर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी जारी किया गया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर यह उपलब्ध है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 मार्च 2022 है। ध्यान रहे, ऑफिशियल नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि डीएलएड विशेष परीक्षा 2020 के द्वितीय वर्ष के केवल सैद्धांतिक विषयों की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे। बिहार के सभी उग्रवाद प्रभावित जिलों में खुलेंगे डाकघर के 180 से अधिक शाखा। बिहार के सभी उग्रवादी जिलों में जल्द ही 180 से अधिक शाखा डाकघर खोले जाने की तैयारी हो रही है। डाक विभाग के वरीय अधिकारियों की माने तो 80 से अधिक खुल चुके हैं या खुलने के अंतिम चरण में है। मार्च तक 100 शाखा डाकघर खोल दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा जमुई जिले में डाकघर खोले जाएंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जमुई में 27 शाखा डाकघर खोले जाएंगे। वहीं नालंदा में 25, गया में 23, नवादा में 16, भागलपुर में 18, औरंगाबाद में 24, कैमूर में 22 और रोहतास में 23 शाखा डाकघर खोले जाएंगे। सभी डाकघरों में कोर बैंकिंग, माइक्रो एटीएम सहित अन्य वित्तीय समायोजन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ज्ञात हो कि बिहार सर्कल देश में पहला सर्किल है जिसके सभी डाकघर CBS तकनीक से लैंस है। बिहार के 3 जिलों में बनेगी 11 सड़कें। बिहार की नीतीश सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से ही बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम हो रहा है, जिसका परिणाम आज आपको भी देखने को मिल रहा होगा। इसी बीच अब बिहार के 3 और जिलों में 11 सड़कों के निर्माण की तैयारी हो रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सड़क संपर्क योजना के तहत औरंगाबाद, बांका और गया जिले में करीब 189.20 किलोमीटर लंबाई में 11 सड़कों और करीब 149.40 मीटर लंबाई में एक छोटे पुल का निर्माण होगा। इन सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पथ निर्माण विभाग की देखरेख में होगा। राज्य सरकार ने इसकी प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने 265,36,16,000 रुपए की मंजूरी दे दी है। इसमें सड़क निर्माण के बाद 5 साल तक मेंटेनेंस भी शामिल है। समेत कई जिलों में चयनित अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। बिहार में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तहत बीते दिन पटना समेत बिहार के कई जिलों के शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो गया है। बीते दिन कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम भी किया जा चुका है। हालांकि कई जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर इसका काम आज भी जारी रहने वाला है। इतना ही नहीं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों की सूची सामने आई है जिनके मैट्रिक या इंटर के सर्टिफिकेट में पिता का नाम या अन्य किसी तरह की त्रुटि है। वहीं ऐसे कुछ नाम भी सामने आए हैं जहां पर यह देखने को मिला है कि नियोजन इकाइयां भी हैं जहां नगर परिषद से नगर निगम बनाया गया है या फिर नगर निकाय में किसी तरह का परिवर्तन हुआ है। वहां फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाएगा जब तक कि नए निकाय का गठन नहीं हो जाता, जिसके बाद ही बीते दिन बिहार के लगभग 42,000 शिक्षकों को उनके मनपसंद स्कूल में नौकरी मिल गई है। बिहार में अगले 24 घंटे में
कई हिस्से में हो सकती है तेज बारिश। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार आज से पूर्वी हवा चलने से पटना समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने और बारिश का पूर्वानुमान है। 25 फरवरी को भी दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व के अलग अलग भाग में मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना है। वहीं बारिश के बाद मौसम में तेजी से बदलाव आने का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बरसात के बाद प्रदेश के तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले हफ्ते से बिहार के ज्यादातर हिस्सों में ठंड का असर खत्म होने लगेगा। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड EIL ने निकाली रिक्तियां। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड EIL ने मैनेजमेंट ट्रेनी MT के कुल मिलाकर 75 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास BE या BTEC या समकक्ष 65% अंकों के साथ और उम्मीदवार को गेट 2022 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 14 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.engineersindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। नीतीश ने जनसभा से दिया दहेज नहीं लेने का संदेश। बिहार में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही बिहार सरकार की तरफ से CM नीतीश कुमार ने एक बार फिर से समाज सुधार अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत ही वो बीते दिन जमुई जिले में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई जनसभाओं को तो संबोधित किया ही, साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों से बातचीत भी की। वहीं बीते दिन उनके समाज सुधार अभियान में एक अनोखा वाक्या भी देखने को मिला। इस दौरान मंच पर शादी का जोड़ा पहने दुल्हा दुल्हन पहुंच गए, जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर बिना दहेज वाली शादी की। इस बात का संदेश देने वो शादी के जोड़े में ही मंच पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने इन दोनों जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया और 1,00,000 रुपए का चेक भी दिया। ज्ञात हो जमुई जिले के गिद्धौड़ से पहुंचे बबीता पासवान और राहुल कुमार मांझी ने आदर्श विवाह की मिसाल पेश की है। CM ने के सामने मंच से आकर दोनों ने संदेश दिया है। बबीता पासवान और राहुल कुमार मांझी ने बताया है कि उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ जाकर दहेज मुक्त विवाह किया है। नॉर्थ और साउथ बिहार के दो दो डिवीजन प्रीपेड मीटर से लैस। बिहार सरकार प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को पूरी तरह से स्मार्ट बनाने को लेकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार के दो दो डिवीजन में 100% प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इसी मौके पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और ऊर्जा CMD संजीव हंस ने 100% मीटर लगाने वाले डिवीजन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि कोई भी नया काम जब शुरू होता है तो थोड़ी परेशानी होती है। जब मोबाइल भी अपने जमाने में आया था तो लोगों को काफी परेशानी देखने को मिली थी, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग से लेकर अनपढ़ लोग भी मोबाइल चला रहे हैं और जिस तरह से मोबाइल में रिचार्ज कराने का मन हो तो लोग कराते हैं, अन्यथा छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह प्रीपेड मीटर है। अब दरोगा नहीं, DSP स्तर के अधिकारी करेंगे पंचायत प्रतिनिधियों की जान लेने वाले मामले की जांच। पंचायत चुनाव के समय और चुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार में 7 पंचायत प्रतिनिधियों की जान लेने की वारदात हुई थी। इस मामले पर अब इन्हीं मामलों का स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलवाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की जान लेने के मामले में जांच दरोगा लेवल के अधिकारी से नहीं बल्कि DSP लेवल के अधिकारी से करवाई जाएगी। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों की जान लेने के मामले में SIT का गठन भी होगा, जिसकी जिम्मेवारी DSP लेवल के अधिकारी की होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों पर लगातार हो रहे हमले के बाद कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधि खुद की सुरक्षा की मांग लगातार करते आ रहे हैं, जिसकी बात भी गृह विभाग की तरफ से SIT का गठन करने की बात भी कही गई थी। जनों का निबंधन होगा रद्द। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश की करीब 56,000 जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से लाभुकों को फोर्टिफाइड चावल देने का फैसला लिया था। इसी कड़ी में बिहार सरकार जल्द ही बिहार में मौजूद सभी चावल मिलों के निबंधन को स्थगित कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार 8,72,00,000 लाभार्थियों को सामान्य चावल के स्थान पर अब पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्रवाई होने वाली है। इसके लिए सबसे पहले सभी निबंधित 1,295 चावल मिलों के लिए मार्च तक ब्लेडिंग इकाई लगाना शुरू कर दिया जाएगा। सरकार के चावल मिल मालिकों को आगाह किया गया है कि बिना ब्लेडिंग इकाई के स्थापित राइस मिलों की संबंधता यानी कि निबंधन रद्द कर दी जाएगी। बिहार समेत कई राज्यों के रेल यात्रियों को मिलेगी खास सुविधा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में दिल्ली से संचालित ट्रेनों में सफर करते हैं तो अगले 2 साल के भीतर आपको कई तरह से के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार रेलवे यात्रियों को सहूलियत और सुविधाओं में इजाफा
करते हुए ऐसे कई बदलाव करने जा रहा है जिससे लाखों लोगों का सफर और आरामदायक हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय रेलवे द्वारा देश की राजधानी दिल्ली से संचालित ट्रेनों में सफर करते हैं तो अगले 2 साल के भीतर आपको कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। रेलवे यात्रियों को सहूलियत और सुविधा में इजाफा करते हुए ऐसे कई बदलाव करने का मौका मिला है जिससे लाखों लोगों का सफर और आरामदायक हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा के बीच ट्रेन के जरिए सिर्फ 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। ये मुमकिन होगा 2 साल के भीतर यानी साल 2024 तक, यानी कि अब भारतीय रेलवे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। बिहार के 19 अमीनों के खिलाफ हुई कार्रवाई। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अंचल में पदस्थापित 19 अमीनों के खिलाफ बीते दिन कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी अमीन 16 जिलों के अंचलों में पदस्थापित हैं। इन सभी अमीनों को उनके अंचलों से हटकर भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय में योगदान देने के लिए कहा गया है। इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए विभाग के सहायक निदेशक राकेश कुमार ने संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र भी जारी कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को संबंधित अमीनों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश भी दिया। जारी किए गए पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि काम नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर अंचल में पदस्थापित अमीन से जनवरी महीने का वेतन की वसूली की जाए। साथ ही उनसे यह स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया है कि कपटपूर्ण तरीके से वेतन देने के आरोप में क्यों नहीं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। ये सभी संविदा अमीन अंचल स्तर पर स्थापित है। मधुबनी के सौराठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मधुबनी का सौराठ जगह दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक है सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग गुजरात के सोमनाथ से लाया गया है। सौराठ का नाम भी गुजरात के सौराष्ट्र से मिलता जुलता है। सोमनाथ से शिवलिंग लाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम सौराठ पड़ा, जो सौराष्ट्र का ही अपभ्रंश है। दूसरी है प्रसिद्ध सौराठ सभा में शादी के लिए इच्छुक वर वधु के परिजन जुटते थे। आषाढ़ में लगने वाली इस सभा में प्रतिवर्ष देश विदेश के लाखों ब्राह्मण पहुंचे थे। इसमें वैवाहिक संबंध तय होते थे, बिना किसी तामझाम और दहेज के शादी होती थी। इस सभा की शुरुआत तत्कालीन राजा हरसिंह देव ने लगभग 700 साल पहले 1310 ईसा में की थी। अब बिहार में भी होगा उत्कृष्ट सदस्य का चयन। बिहार में लोकसभा के तर्ज पर जल्द ही उत्कृष्ट सदस्यों का चयन होने वाला है, क्योंकि बीते कई समय से ऐसे कई वाक्य सामने आए हैं जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि विधायिका की उपेक्षा होती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रशासनिक अधिकारियों को नसीहत दी है कि वो विधायिका की उपेक्षा नहीं करें, उनके पत्रों का समय से जवाब दें। मंगलवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष में बजट सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि विधायकों के पत्रों का समय से जवाब नहीं देना एक गंभीर विषय है। कार्यपालिका में बैठे अधिकारी गण भी लोक सेवक हैं, वो विधायिका की उपेक्षा नहीं करें। बिहार विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक के चयन के लिए लोकसभा की तर्ज पर एक समिति का गठन किया जाएगा। उत्कृष्ट विधायक के चयन की प्रक्रिया शुरू होने पर सभी सदस्यों के बीच अच्छे प्रदर्शन की जिज्ञासा जागेगी, जिससे सदन का माहौल और भी रचनात्मक बन सकेगा। राज्यपाल फागू चौहान करेंगे डाक टिकट प्रदर्शनी से उद्घाटन। बीते दिन राजधानी पटना में राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन होने को लेकर के ऐलान हुआ है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल फागू चौहान गुरुवार को करेंगे। इससे पहले ये आयोजन साल 2012 में किया गया था। इसमें पटना सहित सुदूर जिलों के बहुसंख्यक डाक टिकट संग्राहक भी हिस्सा ले रहे हैं। इन डाक टिकट संग्रह में भी प्रदर्शनी का अहम हिस्सा बनेंगे। बिहार में राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डीजी पैक्स 2022 का आयोजन 24 से 27 फरवरी तक किया जाना है। पटना जीपीओ प्रांगण में राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी को ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से दिनांक 24 फरवरी से 27 फरवरी तक आमजन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। इसका अवलोकन देश के समस्त छात्र छात्राएं कर सकेंगे। इसकी वेबसाइट www.bihardigipax2022.com है। इस प्रदर्शनी का थीम इंडिया रिच कल्चर हेरिटेज रखा गया है। बिहार की कई ट्रेनें हुई रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजेंद्र नगर आने वाली कई ट्रेन एक्सप्रेस सहित 17 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर रेलवे ने 28 फरवरी तक व्यवस्था में बदलाव किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रंगिया डिवीजन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसी को लेकर 17 ट्रेनों को कैंसिल करने का काम किया गया। वहीं एक ट्रेन के रूट में भी बदलाव किया गया है, जिसे शॉर्ट टर्मिनेशन पर चलाया जा रहा है। बीते दिन की रात राजेंद्र नगर टर्मिनल से खुलने वाली गाड़ी संख्या 13248 राजेंद्र नगर कामाख्या एक्सप्रेस जो टर्मिनेशन पर चलेगी, इन ट्रेनों को गुरुवार की सुबह कटिहार स्टेशन पर ही रोक दिया जाएगा। वहीं 24 और 25 फरवरी को कामाख्या से राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए चलने वाली गाड़ी संख्या 13247 कैपिटल एक्सप्रेस रद्द रहेगी, जिसकी पूरी सूची रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है।
भाषा विभाग ने किया रविशंकर उपाध्याय की पांडुलिपि बिहार के व्यंजन का चयन। रविशंकर उपाध्याय की पांडुलिपि बिहार के व्यंजन का चयन राजभाषा विभाग ने प्रकाशन के लिए कर दिया है। इसका चयन हिंदी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना 2021-22 के लिए किया गया है। इसके तहत उपाध्याय की पांडुलिपि प्रकाशन के लिए बिहार राजभाषा विभाग 30,250 का अनुदान देगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रविशंकर नगर विकास विभाग के PRO है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि गहन शोध और अध्ययन के उपरांत पांडुलिपि तैयार की गई है। इसमें बिहार के विविध क्षेत्र के व्यंजन से जुड़ी व्यापक जानकारी रहेगी। उन्होंने मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रविष्ट रूप स्वरूप भी भेजा है, जिसे अब अनुदान हेतु चयन किया गया है। बजट सत्र में सरकार लाएगी कई विधेयक। 25 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 31 मार्च तक चलेगा। सत्र में बिहार सरकार कई विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान शराबबंदी कानून के सजा के प्रावधान से संबंधित विधेयक लाने की चर्चा है। वहीं बिहार कृषि विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्ति में राजभवन का एकाधिकार खत्म करने का भी बिहार सरकार तैयारी में है। इसको लेकर कैबिनेट में मुहर लग गई है। इसके अलावा विपक्ष बिहार में जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे, बिहार में बेरोजगारी और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी भी कर रही है। ऐसे में सदन की कार्रवाई हंगामेदार होने के आसार है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। 25 फरवरी को ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होगा और फिर 28 फरवरी को बिहार का बजट भी पेश होगा। बजट सत्र को लेकर सरकार भी लगातार तैयारी कर रही है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी का दिया धन्यवाद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में अब जीतन राम मांझी का एक और बयान सुर्खियों में आ गया है। दरअसल बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद की तरफ से पहले 23 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। वहीं उसके बाद बीते दिनों ही आखिरी सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई, जिसके तहत राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्णिया से हाजी अब्दुस सुभान को टिकट दे दिया है। इस पर बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपनी पीठ थपथपाई है, जिसको लेकर उन्होंने अपने ट्वीट को भी जारी किया है और कहा कि धन्यवाद तेजस्वी यादव जी, उनके बयान के बाद ही राजद ने कम से कम एक और मुसलमान को तो MLC का टिकट दिया। अब उन्होंने दलित और महिलाओं को भी टिकट देने की मांग कर दी है। साथ ही जातिगत जनगणना से जरूरी क्या है ये भी बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को फिर किया खारिज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति को लेकर विपक्ष के उम्मीदवारी की चर्चा जोर शोर से देखने को मिल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और NCP अध्यक्ष शरद पवार से मिलने के बाद इसकी चर्चा को और ज्यादा हवा लग गई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दो दिनों से इससे लगातार इनकार करते नजर आ रहे हैं। बीते दिन एक बार फिर से जब वो जमुई जिले में अपने ही समाज सुधार अभियान को संबोधित करने पहुंचे, वहां भी मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि मेरी इसमें ना कोई रुचि है और ना ही दिलचस्पी है। उम्मीदवारी की कोई बात है ही नहीं। मुझे आश्चर्य है कि ये बात कैसे उठी। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी ऑफलाइन ही। बिहार बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजन के बाद अब CBSE बोर्ड परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बोर्ड की तरफ से आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत अब एक बात तो तय है कि CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित की जाएंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज की गई याचिका की बात करें तो इसमें साफ तौर पर शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस तरह की याचिकाएं गुमराह करती हैं और बच्चों को झूठी आशाएं देती हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षाएं शारीरिक रूप से आयोजित कराए जाने पर रोक लगाई गई थी। तारीख कई कारणों से है दर्ज। सन 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2004 में प्रधानमंत्री मिखाइल कासिनोव को उनके पद से हटाया था। 1483 में मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर का जन्म हुआ था। 1924 में प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और अभिनेता तलत महमूद का जन्म हुआ। 1939 में हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक जॉय मुखर्जी का जन्म हुआ। 2011 में भारतीय शिक्षा शास्त्री अमर चित्रकथा के संस्थापक अनंत का निधन हुआ। 2018 में बॉलीवुड की महान अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन आज के दिन हुआ था। शेन वॉटसन ने विराट कोहली को बताया सुपर ह्यूमन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन ने विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी शैली की तुलना की। वो दोनों की कप्तानी में खेल चुके हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में विराट के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला है। उन्होंने विराट को सुपर ह्यूमन और धोनी को बर्फ जैसा ठंडा बताया है। उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी अपनी राय रखी। विराट कोहली को लेकर ICC रिव्यू में वॉटसन ने कहा कि एक कप्तान के तौर पर विराट ने अविश्वसनीय चीजें की हैं। जिस तरह से वो खिलाड़ी को आगे बढ़ाने में सक्षम रहे हैं वो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है।
अब फेसबुक रील्स बनाकर हर महीने करे 26 लाख की कमाई। फेसबुक रील्स की ग्लोबल लॉन्चिंग हो गई है। शॉर्ट वीडियो फीचर फेसबुक रील की मौजूदगी दुनिया भर के करीब 150 देशों में हो गई है। फेसबुक रील्स को एंड्रॉइड और iOS यूजर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। फेसबुक रील्स सबसे पहले साल 2020 में टिकटॉक के टक्कर में लॉन्च किया गया था। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि फेसबुक रील्स क्रिएटर को कमाई का मौका देगी। इसके लिए जल्द फेसबुक की तरफ से नया फीचर पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत क्रिएटर्स हर महीने अधिकतम $35,000 यानी करीब 26,11,514 की कमाई कर पाएंगे। यह कमाई आपकी क्वालिफाइंग रील के व्यूज पर निर्भर करेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, प्रेम सिंह, मृत्युंजय कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, अमर कुमार रॉय, गोलू कुमार, संदीप कुमार, गजेंद्र सिंह, शिव शंकर यूट्यूब चैनल, गौतम कुमार, निवास कुमार, लक्ष्मण कुमार, राजकुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक द क्रिकेट को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ी हर दिन की टॉप खबरें मिलेंगी, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर जरूर दिख रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज भारत बनाम श्रीलंका के बीच शुरू होने वाले पहले T20 मुकाबले में क्या भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का आगाज कर पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।